ये देखिए प्रेम मंदिर, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ पे देखिए ये है प्रेम मंदिर। तो हम लोग वृंदावन आए हैं, तो ये शाम का वीडियो है। तो हम लोग बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन, इस्कॉन टेम्पल सब मतलब दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आए थे हम लोग प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर शाम को ही सुंदर लगता है शाम को। तो ये कृपालु जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया है, बहुत बहुत ही सुंदर। यहाँ पे सब लिखा हुआ है तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। तो ये बहुत बहुत ही सुंदर है। तो कृष्ण भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं सब यहाँ पे झांकियाँ बनाई हुई हैं पूरा मंदिर में, मंदिर के अंदर बाहर सब, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा मतलब स्वर्ग से भी सुंदर होगा ये जगह, मतलब इतना सुंदर बनाया गया है। एक है प्रेम मंदिर और कीर्ति मंदिर भी इसी तरह का है, जो कि राधा रानी और उनकी माँ कीर्ति माँ के मतलब मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर है। तो हम लोग चारों तरफ घूमेंगे और यहाँ पे बैठेंगे, रात का भी व्यू देखेंगे, लाइटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब एक बार आ जाइए और बैठ जाइए, फिर आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर से फूल का बगीचा और कृष्ण लीला यहाँ पे दिखाया गया है। तो कृष्ण भगवान देखिए पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं, चारों तरफ गाय और हिरन ये सब, मतलब बहुत ही अच्छा। और गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पर उठाए हुए ये सब का व्यू है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको। और आप सब भी दर्शन करिएगा। और सब लोग मतलब फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पर अंदर भी है, बहुत सुंदर है, मतलब प्रेम मंदिर के अंदर बहुत ही खूबसूरत है। तो चलेंगे अंदर और वहाँ पे भी दिखाएंगे आप सबको। तो यहाँ पे देखिए हिरण ये सब, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बैठे तो उठने का मन ही नहीं करता है, मतलब इतना सुकून, साफ साफ क्लीन, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सब भी हमारे साथ आइए, घूमिए प्रेम मंदिर और देखिए बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। और ये सास ससुर ननद देवर सब हम लोग आए हैं। और ये है शिवा, वही वीडियो बना रहा था। तो चलते हैं अंदर की तरफ और आप सब ब्लॉग पे बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए गोवर्धन पर्वत, कान्हा जी एक उंगली पे उठाए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे थे तो हमने भी थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचा सबका, सासू माँ ससुर जी सबका फ़ोटो खींचे। यहाँ पे बड़ी ननद का लड़का है वो भी है। तो आप सब देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर।
तो यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं और प्रेम मंदिर के अंदर तो और भी बहुत ही सुंदर है, एकदम भव्य है, एकदम ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ पे भी देखिए कृष्ण भगवान का जितनी भी लीलाएं हैं सबकी झांकियाँ बनी हुई है, पूरा मंदिर के ऊपर से लेके पूरा नीचे तक चारों तरफ। और ये वाला तो बहुत ही प्यारा लगता है, ठाकुर जी राधा जी के चरण पकड़े हुए, बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ, अभी हम लोग आए थे तो कम भीड़ था, वही दिखा रही हूँ, अभी तो इतना ज़्यादा भीड़ हो गया, इसके बाद तो और ज़्यादा, इस तरह से जितना ज़्यादा शाम होगा इतना ही ज़्यादा भीड़ होते जाएगा। तो हम लोग बहुत देर यहाँ पे बैठे थे, अभी शाम का समय था, कम से कम 5:30 ऐसा बज रहा था, तो हम लोग यहाँ पे बहुत देर बैठे। और ये देखिए इधर में सब लोग देख रहे हैं, हम लोग इस तरफ से देखते हुए ऊपर आ गए। और यही है कृपालु जी महाराज, जिनकी शाम को ये मतलब फेरा लगता है, तो फेरा लगा रहे थे थोड़ी देर के बाद, मतलब तीन इस तरह से फेरा लगता है, तो इसमें बाद में शिवा भी बैठे हैं प्रेम मंदिर के बाहर। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी नाराज राधा रानी लग रही है। और यहाँ पे शिवा है और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं उधर, राजकुमार राधे राधे बदमाशी कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए तो आप सब बने रहिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, पानी पिया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये पानी कलरफुल पानी है और इसमें बहुत अच्छा से मतलब कृष्ण राधा का पिक्चर दिखेगा और भजन चलता है इसी में, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए भव्य प्रेम मंदिर का दर्शन, और इतना खूबसूरत मतलब लग रहा था क्या ही बताया। और मैं अभी वीडियो देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से चली जाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन आप में से गया है यहाँ पे बताइएगा मुझे कमेंट में। तो यहाँ पे देखिए फव्वारा बहुत अच्छा, और इसमें से कृष्ण राधा का मतलब चेहरा दिखेगा और मतलब भजन चलता है। और ये देखिए, तो आप सब देखिए और आप सब भी इंजॉय करिए, और दिखाते हैं आगे और क्या क्या है। और ये देखिए अभी कितना सुंदर लाल दिख रहा है, और
हर 10 सेकंड में मतलब कलर चेंज हो जाता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी पिंक, मतलब कलरफुल है, बहुत ही सुंदर लगता है। और अभी मैं वीडियो बना रही थी, ऐसा लग रहा था अभी तो जाके आई हूँ, ऐसा लग रहा है फिर से चली जाऊँ। तो वृंदावन ऐसा ही है, जो एक बार वहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है मैं फिर से चली जाऊँ वहाँ पर। तो देखिए आप सब कितना खूबसूरत लग रहा है, ये नाइट का व्यू है। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग मंदिर घूम के प्रेम मंदिर अब चल रहे हैं बाहर की ओर। और बाहर की बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था, तो हमने थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा। उसके बाद चलेंगे रूम में, अपने होटल में जाकर रेस्ट करेंगे। और ये देखिए पीछे पिंक पिंक मंदिर दिख रहा है, प्रेम मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ और चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ कुछ सामान है तो ख़रीद लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि बासुरी वसुरी हो गया और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ से चलते हैं, हमारा होटल बस पास में ही है तो हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। तो आप सबको मेरा ये फुल प्रेम मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। और मिलेंगे नए और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।